तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? ये है हाईवे और मैं जा रहा हूँ वाराणसी। अभी ये वाराणसी का हाईवे है उत्तर प्रदेश में, और मैं वहाँ जाकर आप लोगों को रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ का सीन दिखाता हूँ। ये देखिए रेलवे स्टेशन है, ये वाराणसी का रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। देखिए ऊपर लिखा है ना वाराणसी चक्र के पास, हिंदी इंग्लिश उर्दू, शायद उर्दू ही है। तो गाइस देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया है पूरा ये मंदिर जैसा, पूरा यहाँ से लेके इस साइड भी है। देखिए पीछे मेरे जो मैं दिखा रहा हूँ, इधर आगे भी देखिए, मतलब कम से कम ना आधा किलोमीटर दूर तक पूरा फैला हुआ है ऐसा। और अंदर ऐसा सीधा जाने का रास्ता है, आपने अभी गौर किया होगा मेरे वीडियो में, एक ठेला वाला वो लेके गया सामान, वो कैरिज लाते लाते और ले जाते हैं इधर उधर। मैं सब दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड आगे पीछे। वो देखिए ऊपर लाइट देखा था क्या आपने, उधर सामने वो जला के रखे, दिन को भी 3:30 बज रहा था। घड़ी में देखे क्या मेरे पीछे, शुरू में जब भी मैं दिखा था 3:30 बज रहा था, 3:20। ये देखिए सब इधर के विलेजर्स लोग हैं, यहाँ लिखा दो पहिया वाहन खड़ा करना मना है। ये भैया जी अभी इधर ही खड़े हैं दो पहिया वाहन लेके। मैं इधर आया था ना, मेरे करीबी दोस्त देखे वो किसी उनका पहचान वाला आ रहा है, इसलिए देखिए 3:30 बज रहा था घड़ी में, गौर किए होंगे आप लोग। देखो कितना सफाई है, ऐसा थोड़ी है यार कि सफाई नहीं है किधर भी। तो हम लोग, मैं अभी घर जा रहा हूँ अभी सब। ये देखिए पुल बना हुआ है, कितना अच्छा पुल है इधर का। इधर का एडवर्टाइज तो देखिए रेमंड का वस्त्र लोग, ये वाहन के ऊपर ही त्रिचक्री चालक रिक्शा के ऊपर ही लगा देते हैं। उधर मालगाड़ी जा रही थी साइड में, ये सब पुल ना देखिए मालगाड़ी उधर, यही मैं दिखा रहा था। इधर भी ट्रैफिक लगता है यार, देखिए ना वाराणसी में हूँ ना मैं, वाराणसी सब सिटी लिखा था, देखो ट्रैफिक है। वाराणसी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये बस है बस, इतना भीड़ लगता है यार। इधर भी ट्रैफिक हर जगह होता है, कोई भी शहर हो, शहर यार शहर होता है, गांव गांव होता है। देखिए मैं इधर आगे आ गया, तो इधर आगे आके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ट्रैफिक, और क्या दिखा सकता हूँ। ये पुल तो देखिए कम से कम वेलकम लिखा हुआ है, सब शुभकामना करते हैं सबकी। देखिए बाबा लोगों की फोटो है इस पर, ये त्रिशूल बनाया गया है पुल के नीचे। कम से कम इतना तो अच्छा करके रखते हैं यार, सब बदल चुका है पहले से, बहुत बदल चुका है। इधर भी 2 महले का, 5 महले का, 7-8 महले का भी बिल्डिंग बनाया गया हुआ है इधर। मैं आप लोगों को ना आगे दिखाता हूँ इधर, ये सब देखो रास्ते में फ्रूट्स की गाड़ियाँ हैं। देखो 4 महले का है कम से कम, 1, 2, 3, 4, 3 महले का है। इधर देखो एडवर्टाइज लगाया गया है उधर सामने, फेयर एंड लवली। गाइस मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए यार, मैं नया नया वीडियो बना के ना आप लोगों को दिखाऊंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो, आप लोग देखते रहिए। बस एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल।
ये देखिए इधर रिक्शा जा रहा है ना पीछे, आप पीछे करके देख सकते हैं मेरा वीडियो, इधर वही चलता है रिक्शा, मतलब प्योर नेचुरल। अभी इधर भी देखिए ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा है। मैं तो आया डायरेक्ट, ये सब देखिए यहाँ से सैदपुर नंदगंज, ये सब गाजीपुर जाने वाली रोड है, सीधा गाजीपुर लेके जाती है इधर से। कभी आओ इंडिया में गाजीपुर से लेके वाराणसी का टूर तय करो, क्या पता टीवी दिखा रहा था क्या इधर, ये मंडी था पीछे बोर्ड लगा था। देखिए कोचिंग, ये देखिए मैं बिल्डिंग बता रहा था ना कि 7 माले का 5 माले का है, तो ये है ना, और ये डॉक्टर दवाखाना है शायद, हॉस्पिटल है। ये देखिए सामने बिल्डिंग है, उत्तर प्रदेश में ही है यार, ऐसा थोड़ी है कि बिल्डिंग बना दिए नीचे गिर जाएगा, वो अच्छे से बनाते हैं, नीचे थोड़ी गिरेगा। ये नारियल का पेड़ है, इधर नारियल का पेड़ नहीं लग सकता, होता है हर जगह, होता है हर चीज़ हर जगह होता है, बस बनाने की ज़रूरत होती है। और देखो सामने मैं पुल पे हूँ, वो बिल्डिंग दिखाई दे रहा था सामने, वो भी तो उत्तर प्रदेश में ही बना हुआ है। तो गाइस मैं वीडियो अभी बंद करता हूँ इधर, और घर पे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए अभी मैं घर तो आ गया, इससे मैं सोचा कि आप लोगों को खेती बाड़ी दिखाता देता हूँ इधर। थोड़ा सूरज डूब रहा है अभी, टाइम है 1 घंटा तो लगेगा ही, फिर भी मैं इधर बैठा रहूँगा। देखो सूरज नीचे चला गया। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो।